ओके सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो हमारा नोज के साइज़ पर होने वाला है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि भाई मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं उसे छोटा कैसे करूँ, मैं अपनी नोज़ को स्लिम कैसे करूँ। सो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। बट देखो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जितना जहाँ तक मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ पता है, जितना वक्त मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है इन 3-4 सालों में, उससे मुझे सिर्फ मैंने यही सीखा है कि नोज़ को अगर आपको स्लिम करना है तो वो एक ही वे है, जो कि है सर्जिकल वे, जो कि आप अपने डॉक्टर के पास जाकर जो वो सर्जरी करेंगे उसके बाद ही आपकी नोज़ का साइज़ कम हो सकता है। बट कुछ ऐसे इल्यूजन या कुछ ऐसे हैक्स है जिसकी वजह से आपकी नोज़ थोड़ी सी स्लिम दिख सकती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी नोज़ का साइज़ छोटा हो जाएगा, आपकी नोज़ थोड़ी स्लिम दिख सकती है। और आप अपनी नोज़ की शार्पनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नोज़ को शार्प कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। सो अगर आप वीडियो को आगे देखना चाहते हो सो आप देख सकते हैं। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट वे जो होती है वो होता है हमारा लॉन्ग हेयर स्टाइल। जी हाँ, आपको अपना हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा लंबा रखना है। हेयर स्टाइल लंबा रखने से हमारा पूरा फोकस हमारे फेस या हमारे नोज़ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो हमारे हेयर्स पर भी रहेगा। सामने वाला जो भी हमें देखेगा उसका फोकस इन पर भी रहेगा, तो इससे कुछ इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि हमारी नोज़ थोड़ी सी छोटी दिखती है। देन जो सेकंड चीज़ है, अब हमारा जैसे मेरा क्लीन शेव है, अगर मेरा क्लीन शेव है और इसी में अगर मैं बियर्ड रख लूँगा तो मेरी नोज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी लगेगी। सो आप बियर्ड कैरी कर सकते हो अगर आपको अपनी नोज़ छोटी दिखानी है। सो बियर्ड की वजह से भी हमारी नोज़ काफ़ी छोटी दिखती है। सो इससे पूरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने फेस पर कुछ एक्सेसरीज भी आप जैसे पहन सकते हो। आप अगर ग्लासेस पहनोगे तब भी आपकी नोज़ थोड़ी सी छोटी दिखेगी, क्योंकि उससे हमारा पूरा फोकस सीधा हमारे नोज़ पर बिल्कुल भी नहीं जाता है, हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है। जो भी सामने वाला पर्सन आपको देखता है सो उससे हमारी नोज़ पर इतना ध्यान नहीं जाता है। और अगर आपकी नोज़ बड़ी होने की वजह से बुरी लगती है सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, आपकी नोज़ थोड़ी सी छोटी लगती है। सो बड़ी नोज़ होना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि बड़ी नोज़ होना कोई बुरी बात है, ये बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है। जो मिला है हमें उसे एक्सेप्ट हमें करना चाहिए और उसी में कुछ ना कुछ हमें अच्छा करना चाहिए। सो अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी नोज़ की शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, शार्पनेस मतलब उसे एक अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जो कि होने वाला है आपको कोई सा भी आपके पास ऑयल है आपको वो ऑयल ले लेना है। देन उससे 2 से 3 मिनट आपको कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे करना है, आपको उससे कुछ ऐसे इस तरीके से करोगे जब आप, तो धीरे धीरे आपकी नोज़ और भी ज़्यादा शार्प होने लग जाएगी, बिल्कुल जिसे ऐसे बोलते हैं ना शेप आ रही है, वो ऐसे अच्छे से आपकी नोज़ की एकदम शेप आने लग जाएगी। बट मैं फिर कहना चाहूँगा इससे आपका बिल्कुल भी साइज़ कम नहीं होने वाला। सो आप साइज़ कम के लिए इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सो बस गाइज, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको भी अपने ग्रूमिंग फैशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पर्सनली सबसे बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स जानता हूँ और उन्हें कुछ सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अपनी स्टोरीज पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।